एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमंसिका। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। सो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मेरा ब्लाउज कलेक्शन पार्ट 4। पिछले 3 पार्ट्स आप लोग देख चुके हो और बहुत सारा प्यार दिया है इन सारे पार्ट को। सो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ब्लाउज कलेक्शन पार्ट 4। पार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा कुछ डिज़ाइनर ब्लाउजेज और कुछ सिंपल ब्लाउजेज। सो इस पार्ट में भी मैं लेकर जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट कर रही हूँ नायरा भी बोलना स्टार्ट कर दे रही है। सो इस पार्ट में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ब्लाउज जो कुछ डिज़ाइनर है कुछ सिंपल है, दोनों टाइप के ब्लाउज आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो कुछ डिज़ाइनर भी होंगे कुछ सिंपल भी होंगे, दोनों टाइप के ब्लाउजेज आपको देखने को मिलेंगे। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है मेरा सबसे पहला ब्लाउज, ये येलो कलर में है और ये फ्रंट ओपन वाला है, मतलब ये चोली कट है, ये देख सकते हो आप लोग। सो चोली कट है और इसकी जो हैंड से ये भी लॉन्ग है। मैं जनरली सारे जो स्लीव्स है उसे लॉन्ग ही सिलवाती हूँ और इस पे ना हैंड ये वाला लेस लगवाया था मैंने, ये बाहर से मार्केट से ही खरीद के ये रेड कलर में लगाया था क्योंकि मेरी जो ब्लाउज साड़ी है ना इस पे रेड रेड स्मॉल फ्लावर्स बना हुआ है। बहुत बार मैंने पहन लिया क्योंकि हल्दी फंक्शन में भी पहना हुआ है और कुछ कुछ पूजा हुआ था, सबसे पहले मैंने तुलसी विवाह के टाइम में पहना था। सो ये रेड वाली लेस लगवाई थी और यहाँ पर जो ये शोल्डर के पास यहाँ पर ऐसा डिज़ाइन बनवाया है, ये देखो ये वाली जो डिज़ाइन है ना ये यहाँ पर आती है और शोल्डर के पास। सो इस पे ना ऐसा डिज़ाइन करवा कर मैंने ये मोती लगवा लिया था क्योंकि मोती लगाने से ना थोड़ा ये डिज़ाइन ना अच्छे से पता चलता है, इसीलिए मैंने ऐसे यहाँ पर मोती लगवाया है। सो दोनों साइड्स पे लगवाया है, ये देखो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो दोनों शोल्डर्स पे लगा हुआ है और ये ऐसा स्लीव्स है और इसकी जो पीछे की डिज़ाइन है ना वो ऐसा है, दो राउंड किया हुआ है, दो राउंड करके फिर लेस लगा दिए हैं, ऐसा सिंपल सा ही लेस लगा है। बस लेस लगा दो और ये डिज़ाइन बन जाती है, कुछ कुछ ब्लाउज में वर्क करना पड़ता है। सो इस टाइप का लेस लगा दी थी तो ये सिंपल सा ही ब्लाउज़ है, उतना कुछ मेहनत वाला नहीं है, बट आप लोग सिलवा सकते हो। ऐसा कुछ सिंपल वाला चाहिए तो आप जैसा आपको लगे, अगर हेवी वर्क करना है तो ऐसे पीछे दे दो या फिर सिंपल रखना है तो ये वाला डिज़ाइन मत दिलाओ और बाकी आपको जैसा अच्छा लगे। सो ये थी मेरी फर्स्ट ब्लाउज़। अब बढ़ते हैं, ये सेकंड ब्लाउज़ है मेरी और ये बहुत ही प्यारी ब्लाउज़ है। सो ये देखो, ये मैंने बोटनेक सिलवाया था, बोटनेक, और ये भी प्रिंसेस कट ही है, शायद बोटनेक है और इस पे शॉर्ट स्लीव सिलवाया है और स्लीव्स पे देखो ये वाले जो पाइपिंग होते हैं ना चमकने वाले, बहुत सुंदर से लगते हैं। ये लहंगा में भी मैंने इस लगवाया हुआ है, अपने लहंगा ब्लाउज़ में। सो इस टाइप के मैंने अपने स्लीव्स पे लगवाया है और ये वाली जो लेस है ना ये मेरे साड़ी के साथ ही मिला था तो ये लगवाया है और गोल्डन पाइपिंग दिलवाई है और कप भी लगवाया है इस ब्लाउज पे, कप बटवाया था मैंने मम्मी जी को बोलकर, ये मम्मी जी ने ही सिला है। सो इस तरह का है और जो पीछे वाली ब्लाउज़ है ये देखो, पीछे इसकी जो डिज़ाइन है ना ये बेस्ट है। सो ये देखो यहाँ पर ये हुक लगा हुआ है, हुक पैटर्न है। सो ये हुक लगा कर फिर ये देखो ये बटन्स लगवाया, डिज़ाइनर बटन्स, और ये पीछे नेक पे इस तरह का पूरा कट है, ये देखो दिख रहा होगा ये आपको, ये ऐसा शेप बना हुआ है और ये पूरे पे ये वाली जो पतली वाली पाइपिंग होती है ना ये हाथ से बैठवाया है मैंने, खुशबू कर दिया ये सारा कुछ। तो एक एक करके ये हम, ये लेस भी मिलता है बाज़ार में बट लेस से ना वो निकल जाता है तो ये हाथ से एक एक बैठाया हुआ है। सो इस टाइप का ये पाइपिंग लगा है और फिर ये वाली जो पट्टी बोलते हैं ना, ये वाली पट्टी दो लेके ये लगवाया है और ये फिर ऐसे बंधता है, ये देखो। सो ये देखो ये ऐसे बंध जाता है, अभी अच्छे से बंधा नहीं है बट मैं दिखा दूँगी, फ़ोटोज़ में डाल दूँगी। सो ये ब्लाउज़ बहुत ही, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी बट अभी ना जब मैं प्रेग्नेंट हुई और फिर बेबी डिलीवर हुआ तो ये थोड़ा ना ब्लाउज़ मुझे छोटी होने लगी है बट अब मैं थोड़ा वेट लूज़ कर रही हूँ। सो आई होप कि ये ब्लाउज़ मुझे परफेक्ट बैठे। सो ये ब्लाउज़ बहुत ही प्रीटी ब्लाउज़ है, इस तरह का डिज़ाइन आप अपने कोई भी जो हेवी साड़ी वाले ब्लाउज, मतलब आप अपने कोई भी फेवरेट साड़ी के ब्लाउज़ में ये वाला डलवा सकते हो, बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद, ये देखो।
सो ये था मेरा सेकंड ब्लाउज। और ये है मेरा थर्ड ब्लाउज। थर्ड ब्लाउज ये आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, ये कुछ है नहीं ज़्यादा उतना, बस ये ब्लाउज़ पे ही वर्क किया हुआ है थोड़ा लहंगा स्टाइल में, तो थोड़ा हेवी वर्क किया हुआ था ब्लाउज़ पे, और इससे मैंने ना चैन लगवा कर सिलवा लिया था। देखिए देखो चैन लगवाया था इस पर। सो ये मैंने मायके साइड से ही, जो आंटी है ना मेरी टेलर आंटी, उनको ही देख कर स्टिच करवाया है लहंगा स्टाइल में। सो इस तरह का है, ये बहुत सुंदर लगता है, कोई भी साड़ी के साथ ना मैचिंग कर लो। सो ये इसकी जो साड़ी है ना येलो कलर में है, और इसे मैंने येलो साड़ी के साथ भी पहना है, रेड साड़ी के साथ भी पहना है, बहुत सुंदर लगता है क्योंकि ग्रीन है और इस पर हेवी वर्क है ना, सो बहुत प्रीटी सा लगता है। अब बढ़ते हैं फोर्थ ब्लाउज की तरफ। सो ये है फोर्थ ब्लाउज, देखो ये थोड़ा वर्क वाला ब्लाउज है मेरा, बहुत ही सुंदर ब्लाउज है ये। ये देखो ये साड़ी का ही ब्लाउज है बट लहंगा जैसा कपड़ा दिया हुआ है इस पर। सो इस पर भी मैंने लॉन्ग स्लीव ही स्टिच करवाई थी मम्मी जी से। सो ये देखो ये ब्लाउज है ना थोड़ा भी मुझे ढीला होता है, इसे फिटिंग करवाना है, अभी करवाया नहीं है मैंने फिटिंग। और ये नीचे पे ना ऐसे फ्रिल लगवाया था, ये देखो ये बाहर से खरीद के, बाहर से रेडीमेड कपड़े खरीदे थे और उसके बाद ये वाला फ्रिल्स लगाया था हमने। और ये पूरा ना लहंगा पे, ये वाला ब्लाउज पे ही ऐसा वर्क दिया हुआ है। सो ये पीछे का वर्क था शायद, पीछे का कि हाँ ये आगे का ही वर्क है। सो आगे डलवाया है और ये फ्रिल्स लगवा लिया है इसी सेम कलर में खरीद कर। सो बहुत सुंदर सा लगता है ये पहनने के बाद, मैंने पहना भी है इसे अपनी दीदी के शादी में। सो इमेजेस मैं डाल दूँगी। और पीछे इस तरह का डिज़ाइन है ये वाला, ये देखो ये ऐसे क्या बोल सकते हैं, ड्रॉप ड्रॉप शेप में है, ये देखो वाटर ड्रॉप होता है उस टाइप का शेप है। और पीछे भी ऐसा फ्रिल्स बना हुआ है। और इस पर ना मैंने चैन लगवाई थी, ये देखो साइड चैन लगा हुआ है, ये चैन है। सो चैन से ही अंदर जाता है, चैन लगवाई थी क्योंकि पीछे हुक नहीं लगवाई थी और आगे भी हुक नहीं लगाया, सो चैन लगवा लिया था। सो ये ब्लाउज भी बहुत सुंदर ब्लाउज है फ्रिल्स लगा के। सो मैं कोशिश करती हूँ ना कि ब्लाउज पे कुछ अलग सा डिज़ाइन डलवाऊँ ताकि वो अलग लगे, हटके लगे। सो ये वाली ब्लाउज बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद एक टॉप की तरह। सो ये ब्लाउज भी बहुत सुंदर है। सो मैं अलग से वीडियोस भी डाल दूँगी, स्क्रीनशॉट लेना हो ऐसा सिलवाने के लिए। सो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो अलग से वीडियोस के बाद डाल दूँगी मैं। फोर्थ ब्लाउज की तरफ। सो ये है फोर्थ ब्लाउज, सॉरी ये फिफ्थ ब्लाउज है। सो ये सिंपल सा ब्लाउज है रेड कलर में, सो रेड एंड ब्लैक में ये ब्लाउज है। ये सिंपल सा ये ब्लाउज है और छोटी हैंड है इस पर, ज़्यादा बड़ी स्लीव्स नहीं है, बहुत छोटी है। और ये गोल्डन कलर का इस पर ये था, ऐसे ही साड़ी पे दिया हुआ था ब्लाउज पीस पे, सो वैसे ही सिलवाया है। फ्रंट चैन है, फ्रंट बटन है, फ्रंट हुक है। और फिर बैक पे ये देखो सिंपल सा बस सिलवा लिया था, और ये वाली पट्टी डलवा दी थी आंटी ने ताकि ये साइड से गिरे ना, बट ऐसी पट्टी ना कभी डलवाना मत क्योंकि ना फिर ना ब्लाउज़ थोड़ा अटका अटका फंसा फंसा लगता है। सो अगर आपको डलवाना है तो डोरी डलवा दो या फिर आप कुछ मत डलवाओ। सो ये वाला डलवाने के बाद ना मुझे ये कम्फर्टेबल नहीं लगता है। सो मैं इसलिए आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि ऐसा पट्टी वाला टाइप का मत सिलवाना, नहीं तो आपको लगेगा कि कुछ खींच रहा है वैसा वाला। सो ये थी सिंपल सी ब्लाउज। Thank you.
लास्ट ब्लाउज ये है पिंक कलर में, और ये मेरी लॉन्ग स्लीव्स नहीं था, ये नॉर्मल स्लीव्स का ही मैंने सिलवाया है, और ये साड़ी में ही डिज़ाइन दिया हुआ था ब्लाउज पीस में, सो वैसा है। और उस टाइम ना अभी थोड़ा वी नेक वाला जो क्रेज़ है ना वो चला ही रहता है, वी नेक बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद, तो मैंने आगे और पीछे दोनों साइड ही वी नेक सिलवा लिया था, और ये पिंक पाइपिंग लगी हुई है, सो पीछे भी वी एंड आगे भी वी, सो पहनने से बहुत सुंदर लगता है ये, इस टाइप का सिंपल सा ही है। और ये मैंने इस पर साइड पर चैन लगवाया था, ये देखो चैन लगवाया था, क्योंकि हुक ना ऑल टाइम अच्छा नहीं लगता, तो कुछ कुछ ब्लाउजेज है ना मैं चैन लगवा लेती हूँ, चैन लगवाने से ना बहुत सुंदर सा लुक आता है, क्योंकि हुक वुक दिखता नहीं है, चैन रहता है, तो बहुत सुंदर आप साड़ी को जैसे भी करके पहन लो सही लगता है। सो ये कैसा लगा आपको ये मेरा सारा कलेक्शन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।